Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. Students, today we are going to write a paragraph on my role model. What is the topic for today? My role model. Who is your role model? Okay, leave it. Let's start with what is a role model? What is a role model? रोल मॉडल अ पॉजिटिव रोल मॉडल इन्फ्लुंस आर एक्शंस एंड मोटिवेटर्स कि एक जो पॉजिटिव रोल मॉडल होता है हमारी लाइफ में वो हमेशा हमें इंस्पायर करता है कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव अच्छा करना है और नेम और फेम दोनों गेंद करना है एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रोल मॉडल किसी का क्रिकेटर हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है साइंटिस्ट हो सकता है सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रोल मॉडल टुडे यू विल थिंक अबाउट दैट हु इज़ योर रोल मॉडल बट पॉजिटिव रोल मॉडल शुड बी देयर जिनसे आप कुछ अच्छा सीखो लेट इज स्टार्ट रोल मॉडल्स प्ले एन असेंशियल पार्ट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट असेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट Role models play an important part in a child's development The missile man of India Dr APJ Abdul Kalam is my role model In reality Dr APJ Abdul Kalam is my role model because he was a very hard working person and he was a multi talented person The missile man of India Dr APJ Abdul Kalam is my role model डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही वॉज द इलेवेंथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पीपल कॉल हिम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द कंट्री डेडिकेटेड मीन्स किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाना एंटायर मीन्स कम्प्लीट तो उन्होंने अपनी जो कम्प्लीट लाइफ है वो कंट्री को सर्व करने के लिए स्पेंड की यानी उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया and its people he was not rich but after that he completed his studies and became a great scientist he belonged to a poor family but after that he completed his studies and became a great scientist he was the 11th president of he was the 11th president of india but he never misused his power he always said that This young generation is the future of the country, so guide them on the right path. You know, डॉक्टर uh, A.P.J. Abdul Kalam was also a good teacher. टीचर उनको पैशन था टीचिंग का बहुत ज़्यादा वो दिल से बच्चों को प्यार करते थे और हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते थे ही रोट सो मैनी कोटेशन्स फॉर द चिल्ड्रेन कि वो मोटिवेट हो सकें. आप असेंबली में भी थाट्स बोलते हो बहुत सारे ए पी अब्दुल कलाम के लिखे हुए तो इस तरह से वो यंग जनरेशन को मोटिवेट करते थे स्कूल्स में कॉलेज में उनके सेमिनार्स भी होते थे टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए तो वो हमेशा कहते थे कि जो यंग जनरेशन है यानी आप लोग हो वो कंट्री का फ्यूचर हैं सो गाइड देम ऑन द राइट पाथ तो उनको हमेशा एक राइट पाथ यानी एक सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करना चाहिए ही लेड अ सिंपल लाइफ लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड एल ई ए डी ही लेड अ सिंपल लाइफ यानी उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड की वर्ड्स आर वेरी लेस टू रिप्रेजेंट हिम उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब ऑल देम सो आई वुड लाइक टू राइट अ वंडरफुल कोट ऑफ माई रोल मॉडल इसीलिए उनकी ही एक कोटेशंस में से एक कोटेशन मैंने ली है यू कैनॉट चेंज योअर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योअर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर वट डज़ इट मीन कि हम लोग आप लोग अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हो बट आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो यानी डिसप्लिन में रहना बड़ों को रिस्पेक्ट करना अपना काम टाइम पर डन करना पंचुअल होना ये सारा तो हम अपनी हैबिट्स में ला सकते हैं ना वी कैन अडोप्ट ऑल दीज गु हैबिट्स डिसप्लिन पंचुअलिटी एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर कि अगर हमें अपने लाइफ में हमारा कोई गोल है एम है उसको अचीव करना है तो अगर हम अपनी हैबिट्स में चेंज लाते हैं डेफिनेटली वी विल चेंज आर फ्यूचर तो डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ही वॉज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन साइंटिस्ट भी थे प्रेजिडेंट भी थे टीचर भी थे तो ऐसा रोल मॉडल हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए ओके स्टूडेंट्स यू कैन राइट अबाउट योर रोल मॉडल आप लिख सकते हो अपने रोल मॉडल के बारे में अगर आपका कोई रोल मॉडल है एंड यू कैन सेंड इट ऑन माई नंबर ओके सो स्टूडेंट्स राइट दिस पैराग्राफ इन योर नोटबुक इन वेरी नीट हैंड राइटिंग And try to read it again and again. I can take your test anytime. Okay, students, have a nice day. Bye bye.